श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ के फंडे। आज मेरे साथ मेरे छोटे ब्रदर निमिश भी हैं। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, एक नकारात्मक विचारधारा जो समाज के बहुत सारे लोगों में पनप रही है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो विचारधारा कुछ ऐसे है, ये मैं नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, है ना। ये कौन बताता है हमें कि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते? जब हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है तो हम लिमिटेशंस बना लेते हैं अपनी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और ऐसे ये बातों को रिपीट करते 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 ऐसे सच में ही हम डब्बू बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं और लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक बार एक बड़ा हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था एक जू में, तो एक बच्चा ने सोचा कि भाई ये इतना बड़ा हाथी है, अगर ये तो हल्का सा पाँव हिलाए तो ये रस्सी तोड़ सकता है, तो ये तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? तो वो जू कीपर के पास गया और कहा, अंकल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बड़ा हाथी ये तो बड़े आराम से रस्सी तोड़ सकता है, तो ये क्यों नहीं तोड़ रहा? तो उसने कहा, बेटे जब ये आया था ना तो ये छोटा बेबी एलिफेंट था, तब ये रस्सी से निकलने की कोशिश करता रहा, एक दो दिन तोड़ नहीं पाया, फिर इसने मान लिया कि ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। अब ये बहुत बड़ा हो गया है, ये आराम से कर सकता है, लेकिन बिकॉज इसने मान लिया है कि ये नहीं कर सकता इसलिए अब ये नहीं कर पाता। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है फ्रेंड्स, इस पर चिंतन कीजिए। निमिश, आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली निखिल भाई, ऐसा ही है। मेरे साथ भी मेरी लाइफ में इस तरह के इश्यूज आ रहे थे और मुझे लगता था कि यार मैं पब्लिक डीलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। पर जब मैं इस प्रोफेशन में आया, बिकॉज सिंस आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मेरे को सक्सेस चाहिए तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, पर कैसे करूँ? क्योंकि एक डर बैठ गया था कि मैं ये चीज़ें कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा भगवान के साथ जुड़ना शुरू हुआ, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू करी, तो ये समझ में आने लगा, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन जो थी वो अर्जुन की थी। चैप्टर वन में अर्जुन ये ही कह रहा था कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन जब वो भगवान के साथ जुड़ा तो उसने इजीली उन चीज़ों को ओवरकम किया और अपने कर्म को, अपने धर्म को अच्छे से निभाया। और मेरे साथ मेरी लाइफ में भी इसी तरह से हुआ है। भगवान की कृपा से आज मेरी ये दोनों इश्यूज, पब्लिक डीलिंग और कम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार आया। थैंक्स निमिश भाई। और किसी के साथ भी यही होगा फ्रेंड्स, अगर हम अपने मन के अंदर के डर को नहीं मारेंगे तो हमें सक्सेसफुल होने का जो अपना सपना है इसको त्याग देना चाहिए। और अगर हम सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, एंड फेथ इन योर एबिलिटीज एंड फेथ इन गॉड इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट सक्सेस। हमारे अंदर के डर को हमें भगा देना है, ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, जिससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलेगी। अपने अंदर के डर को पहचानिए, उसको मारिए और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए। यही हम दोनों की आपके लिए प्रार्थना है। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण।